Great Ed, welcome to online classes. Our today's task is unit number 15, a family trip to Narang. It's a letter where a friend described her visit to Narang. Here I will discuss the comprehension of this unit. Let's start from question number 1. Who is the narrator of the lesson? Narrator, kahani sunane wala. जो किस्सा सुना रहा होता है, दास्तान सुना रहा होता है, जो उसमें स्पीकर है, वो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि वो कौन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ फैमिली ट्रिप टू नारांग. नरेटर ऑफ द लेसन, द नरेटर ऑफ द लेसन इज सलमा खान, हु इज़ राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड सारा, telling her about her visit to Narang. जी स्टूडेंट, नरेटर कौन है, स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है, कि वो है जी सलमा खान, जो अपनी दोस्त को ख़त लिखती है. उस दोस्त का नाम सारा है और अपने उस ख़त में वो डिस्क्राइब करती है, उसको बताती है सारा कुछ जो उसने विज़िट किया नारांग, और नारांग में उसने क्या क्या देखा और किन किन जगहों का उसने विज़िट किया, वो सारी उसमें डिटेल बताती है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज नारांग प्रेजेंट टू द टूरिस्ट. टूरिस्ट मीन स्याह, जो वहाँ पे घूमने जाते हैं, तो नारांग उन्हें क्या पेश करता है. रेफरेंस, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनिट अ फैमिली ट्रिप टू नारांग. ब्यूटी ऑफ नारांग, हाँ जी, सबसे जो मेन चीज़ नारांग की है वो क्या है, ब्यूटी ऑफ नारांग. अकॉर्डिंग टू द नरेटर, नारांग इज हेवन ऑन अर्थ, यानी कि कहानी सुनाने वाले के मुताबिक नारांग दुनिया में एक जन्नत है. इट प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिकली वंडरफुल व्यूज टू टूरिस्ट. ब्यूटीफुल, खूबसूरत, और एस्थेटिकली ये जमालियाती ज़ोक जो होता है, यानी कि जो हुसन प्रस्त लोग होते हैं उनके लिए ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, जिन्हें हुसन पसंद होता है. वंडरफुल व्यूज, शानदार नज़ारे टू द टूरिस्ट स्याओं को. इट इज़ फुल ऑफ मेजेस्टिक एंड मेजमराइजिंग नेचुरल ब्यूटी. मेजेस्टिक, शानदार, मेजमराइजिंग, मशहूर कुन, नेचुरल ब्यूटी, कुदरती खूबसूरती. नारांग इज आल्सो नोन एज द बॉटनिस्ट पैराडाइज, यानी कि ये इसको जाना जाता है बॉटनिस्ट की पैराडाइज. पैराडाइज मीन जन्नत. और क्वेश्चन नंबर 3 इज, डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ लेक सैफुल मुलुक. झील सैफुल मुलुक की खूबसूरती बयान करें. रेफरेंस, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ फैमिली ट्रिप टू नारांग. ब्यूटी ऑफ लेक सैफुल मुलुक, हेडिंग देंगे हम उसी तरह. सैफुल मुलुक इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल लेक्स, यानी कि झील सैफुल मुलुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत झील है. वर्ड्स फेल टू डिस्क्राइब इट्स ब्यूटी, यानी कि अल्फाज में इसकी खूबसूरती हम बयान नहीं कर सकते. मलका पर्वत, द हाइएस्ट पीक इन कागान वैली इज लोकेटेड नियर दिस लेक, यानी कि इस झील के करीब ही मलका पर्वत है, जो कि कागान वादी कागान की हाइएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी है. This lake is full of natural beauty and has a pleasant atmosphere. ये कुदरती हुसन से मालामाल है और खुशगवार माहौल रखती है. क्वेश्चन नंबर 4, what is the main idea of the letter? यानी कि इस लेटर का मेन आइडिया क्या है. रेफरेंस, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ फैमिली ट्रिप टू नारांग. मेन आइडिया, हेडिंग में हम लिखेंगे मेन आइडिया. The main idea is to put the focus of the readers towards the natural beauty of Pakistan. जी, जो readers हैं, जो इसको पढ़ने वाले हैं, उनकी तवज्जो कुदरती हुसन की तरफ मबजूल करवाना इसका main idea है. Pakistan is full of natural beauty. Pakistan कुदरती हुसन से मालामाल है. Especially its northern area. खास करके इसके शुमाली इलाका जात आर फेमस वर्ल्ड वाइज, पूरी दुनिया में मशहूर हैं. वन शुड एक्सप्लोर इट्स ब्यूटी,
जब बच्चों वन का वर्ड आता है तो यहाँ पे किसी को भी मुखातब कर रहे हैं, यानी कि किसी को भी, यानी कि कोई भी हो सकता है वो इसकी खूबसूरती को एक्सप्लोर करे, जाने एंड थैंक द ऑलमाइटी अल्लाह फॉर ब्लेसिंग अस सच अ प्लेस टू लिव, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें इतनी खूबसूरत जगह से नवाजा है, यानी कि रहने के लिए इतनी खूबसूरत जगह से नवाजा है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ द नरेटर्स ओपिनियन अबाउट द पीपल ऑफ नारान। जी, नरेटर जो था उसका क्या ओपिनियन है, क्या राय है उसकी लोगों की बारे में, जो नारान के लोग हैं उनके बारे में। रेफरेंस, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ फैमिली ट्रिप टू नारान। नरेटर्स ओपिनियन अबाउट द पीपल ऑफ नारान, आंसर है इसका, अकॉर्डिंग टू नरेटर द लोकल पीपल ऑफ नारान आर नाइस एंड फ्रेंडली, यानी कि वो अच्छे और दोस्ताना हैं। दे लिव अ सिंपल लाइफ, वो सादा जिंदगी गुजारते हैं। मोस्ट फैमिलीज डिपेंड ऑन टूरिज्म फॉर देयर लिविंग, बहुत सी खानदानों का इन्हिसार सियाहत पर है, फॉर देयर लिविंग, उनके रहने के लिए, यानी कि वो उनकी आमदन के लिए, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात जो पूरी होती हैं वो सियाहत की वजह से हैं। हाउएवर ड्राई फ्रूट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर की पार्ट ऑफ द लोकल इकॉनमी। ड्राई फ्रूट्स, खुश्क मेवाजात, एंड हैंडीक्राफ्ट्स, दस्तकारियाँ, आर की पार्ट ऑफ द लोकल इकॉनमी, मुकामी मैशियत का अहम हिस्सा है। डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन। Now do memorize all these questions and also do their written practice. And one thing more, write all these questions neatly on your neat notebook. See you in my next video. Till then, Allah Hafiz.